नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं लॉन्ग वे क्रिकेट। लॉन्ग वे क्रिकेट देता है आपको सबसे पहले और सब तरह की क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन प्रेस कर आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जो कि यहाँ पे 2023 का आईपीएल है वो शुरू होने वाला है। हर कोई नेट प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पे अभी मैच जो लीग चल रही थी उसके अंदर खेलने में या फिर ओडीआई मैच चल रहे थे उसके अंदर खेलने में व्यस्त थे, तो उन्हें आराम भी दिलाया जा रहा है। इसी के बीच यहां पे मैं पहले एक कहावत कहना चाहूंगा, क्योंकि एमएस धोनी का ये वीडियो है और इतना खास वीडियो है कि आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। तो शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो वो आदमखोर हो जाता है, कुछ ऐसा ही नजर इस वीडियो के अंदर आ रहा है दोस्तों। ये यहां पे सीएसके ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो डाला है। ये जब का वीडियो है, जब महेंद्र सिंह धोनी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और उस समय इस वीडियो को एडिट किया गया है। उस वीडियो में दिखाया गया कि महेंद्र सिंह धोनी ही तो खेलकर छक्का लगा रहे हैं और खुद ही यहां पे बॉलिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉलिंग अलग बंदे ने करी होगी, लेकिन इस वीडियो में ऐसा नजर नहीं आता। इस वीडियो पर काफी ज्यादा व्यूज भी आए, क्योंकि एमएस धोनी का है तो खास जाहिर सी बात है कि व्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों, तो इस वीडियो ने एंगेज भी काफी ज्यादा किया और फैंस कह रहे हैं कि अब की बार महेंद्र सिंह धोनी बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर बल्लेबाज है और मैच के दौरान उन्हें वैसे बॉलिंग नहीं दी जाती, क्योंकि फिर विकेट कीपर भी तो चाहिए होता है दूसरा, लेकिन उन्हें गेंदबाजी करना काफी पसंद है और इसी वजह से वो नेट प्रैक्टिस के अंदर जमकर बॉलिंग करते हैं, जमकर पसीना बहाते हैं। और इसी वजह से यहां पे एमएस धोनी 40 की उम्र में भी काफी ज्यादा फिट हैं और जब भी यहां पे मैच को जरूरत होती है, जबकि जब भी यहां पे टीम को जरूरत होती है किसी गेंदबाज की, तो वो खुद यहां पे आगे आ जाते हैं और खुद कई बार उन्होंने बॉलिंग करी भी है दोस्तों। आपने देखा होगा, क्योंकि आप एमएसडी के तो फैन हैं तो फिर देखा ही होगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके।